जो भी एक बार इनकी आवाज सुनता वो दीवाना हो जाता। इतनी मीठी और सुरीली थी इनकी आवाज, जैसे किसी ने कानों में शहद घोल दिया। और जब फिल्मी पर्दे पर इनके गाने आए तो लोग उन्हें देखकर झूम उठे। सारी दुनिया में उनकी आवाज का जादू असर कर रहा था और सारी दुनिया में उनके सैकड़ों फैन उनके दीवाने हुए जा रहे थे। लेकिन आप ये बात शायद ही जानते होंगे कि उनकी आवाज का ऐसा जादू छाया कि उस जमाने की जमी हुई पहले से इंडस्ट्री पर राज कर रही बड़ी बड़ी सिंगर्स इनसे घबराने लगी और उनका जमा जमाया सिंहासन जैसे डोलने लगा। इनकी मिश्री सी मीठी आवाज ही इनकी दुश्मन बन गई। और फिर शुरू हुआ रंजिशों और साजिशों के साथ धमकियों का सिलसिला। इतने बड़े बड़े हिट गाने देने के बावजूद भी बड़े बड़े फिल्मों के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और संगीतकारों को धमकियां मिलने लगी और डर के मारे उन्होंने इस सुरीली गायिका को काम देना बंद कर दिया, उससे कन्नी काटनी शुरू कर दी। क्यों फिल्म के रिलीज से पहले इनके गाए गाने फिल्म से निकाल दिए जाते थे? यहां तक कि कैसेट्स में गाने होने के बावजूद उसके कवर पर बाकी प्लेबैक सिंगर्स की तस्वीर तो होती थी लेकिन इनकी तस्वीर वहां से गायब हो जाती थी। यहां तक कि टीवी पर उनके गाए गीतों को किसी और गायिका का नाम देकर प्रसारित किया जाता। क्यों इस दूसरी लता की आवाज को दुनिया में फैलने और ख्याति पाने से पहले ही दफन कर दिया गया? इतनी बेहतरीन अदाकारा होने के बावजूद क्यों इन्हें वो मुकाम नहीं मिला जिसके वो लायक थी? किसने और क्यों की इनके साथ जालसाजी और साजिश, जानेंगे बहुत कुछ इनके बारे में। बस आप बने रहिए हमारे साथ बॉलीवुड इतिहास पर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं इतिहासकार और आप देख रहे हैं बॉलीवुड इतिहास। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के बीते जमाने की फीमेल प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर की। जिनके नसीब ने कभी साथ दिया तो कभी वक्त ने ठोकर मारी। उनकी सुरीली आवाज के कद्रदानों ने जमकर उन्हें सराहा तो मौका परस्तों ने अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल किया और बहुत फायदा भी उठाया। हाँ, 1937 में सुमन का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जिसका कला और संगीत के लिए विशेष रुझान रहा। बचपन की परवरिश के दौरान ही सुमन भी संगीत में खासी दिलचस्पी लेती थी। हालांकि संगीत के सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर परिवार की पाबंदियां भी थी। वो पिता सेंट्रल बैंक में बड़े बाबू शंकर राव हिमाडी की 6 संतानों में सबसे बड़ी थी। नौकरी के सिलसिले में लंबे समय तक ढाका में रहने के बाद बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए शंकर बाबू ने 1942 में अपना तबादला करवाया मुंबई और यहीं सुमन की पढ़ाई हुई सेंट कोलंबिया में। वो पेंटर बनना चाहती थी लिहाजा उन्होंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में भी एडमिशन लिया। महज 15 साल की उम्र तक उन्होंने एक भी हिंदी फिल्म नहीं देखी थी। जी हां, वो शौकिया तौर पर गाने जरूर गाती थी और नूरजहां की आवाज उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। खास तौर पर वो दिलचस्पी लेती थी और अक्सर नूरजहां के गाए गीत ही वो गाया करती थी। सुमन की आवाज तो हीरे जैसी थी ही,
और उनके पड़ोसी और पिता के मित्र केशवराव फूले ने इस हीरे की परख भी कर ली। उन्हीं के कहने पर सुमन ने शौकिया तौर पर गाना शुरू किया। जैसे जैसे वो रियाज करती गई उनकी आवाज निखरती गई। इसके बाद उन्होंने उस्ताद खान, अब्दुल रहमान खान, गुरुजी मास्टर नवरंग जैसे दिग्गजों से भी संगीत की तालीम ली। गुरु केशवराव भोले ने 1942 में ऑल इंडिया रेडियो में उन्हें सबसे पहले गाने का मौका दिया। परिवार की बंदिशों के बावजूद सुमन मना नहीं कर पाई और पहली बार उनकी आवाज ने दर्शकों के कानों में दस्तक दी। साल भर बाद उन्हें मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी में गाने का ऑफर मिला। फिल्म रिलीज हुई और डायरेक्टर शेख मुख्तार ने वो फिल्म देखी। उसके बाद उनके जहन में सुमन की सुरीली आवाज ने जगह बनाई। उन्होंने सुमन को अपनी अगली फिल्म मंगू में गाने का मौका दिया। फिल्म में मोहम्मद शफी संगीत दे रहे थे लेकिन बाद में उनकी जगह ओपी नैयर को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई। सुमन ने फिल्म में 3 गाने गाए लेकिन नैयर साहब ने उनके सिर्फ एक लोरी को ही फिल्म में इस्तेमाल किया। इस तरह फिल्म के कोई पुकारे धीरे से तुझे इस गाने से सुमन कल्याणपुर का हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगर की तरह सफर शुरू हो गया। यही एकमात्र गीत है जो उन्होंने ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में गाया है। इसके बाद तलत महमूद जैसे फनकार के साथ उन्होंने पहली बार हिंदी सिनेमा में जुगलबंदी की फिल्म दरवाजा से। हिंदी सिनेमा में सुमन कल्याणपुर की सुरीली आवाज के लिए दरवाजा पहले ही खुल चुका था लेकिन दरवाजा फिल्म में तलत महमूद जैसे गायक के साथ उनकी इस जुगलबंदी ने उनकी पहचान और भी मजबूत बना दी। और फिल्मों में इसी गाने का सिलसिला शुरू हो गया। सुमन हेमाडी 1958 में एक तरफ हिंदी सिनेमा में पांव जमा रही थी और उसी दौरान मुंबई के एक व्यवसायी रामानंद कल्याणपुर से उनकी शादी हो गई और शादी के बाद सुमन हेमाडी बन गई सुमन कल्याणपुर। इनकी आवाज लता मंगेशकर से इतनी मिलती थी कि लोग धोखा खा जाते और इनके और लता के गाए गीतों में फर्क कर पाना मुश्किल हो जाता। ऐसे में फिल्म प्रोड्यूसर ने इसका खूब फायदा उठाया। जिन्हें लता मंगेशकर की डेट्स नहीं मिलती थी वो सुमन कल्याणपुर के पास आते। सबका दिल बहलाना है, करके कुछ दिखलाना है। 1959 में आई फिल्म चांद में हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में सुमन कल्याणपुर और लता मंगेशकर की सुरीली आवाजों को एक साथ एक ही गाने में अपनी आवाज पेश करने का मौका मिला। शैलेंद्र के लिखे इस गीत में फर्क करना मुश्किल है कि कौन सी आवाज सुमन कल्याणपुर की है और कौन सी लता मंगेशकर की। दोस्तों सुमन कल्याणपुर की आवाज का यही सुरीलापन उनके रास्ते का रोड़ा बन गया। एक तरफ सुरीली आवाज के लिए लता मंगेशकर को खूब काम मिलता था और वहीं सुमन कल्याणपुर को संगीतकार इसलिए कम काम देते थे क्योंकि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती थी और वो उनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते थे। अब तो आंख लड़ चुकी, बात बढ़ चुकी, अब तो पास आई सुमन कल्याणपुर की हिंदी सिनेमा में एंट्री भी ऐसे समय पर हुई जब दुनिया पर लता मंगेशकर और हाशा भोसले की आवाज की दीवानगी छाई हुई थी। उनके स्टारडम के आगे बेहद टैलेंटेड सुमन कल्याणपुर को हमेशा दूसरी कतार में ही खड़ा होना पड़ता। अब इसे खुदरत का करिश्मा कहें, ना इंसाफी कहें, बेरहमी कहें या कुछ और, कि बेहद सुरीली और ओरिजिनल आवाज होने के बावजूद भी सुमन कल्याणपुर की तुलना हमेशा लता मंगेशकर से ही की जाती थी। दोनों की आवाज करीब करीब एक जैसी थी लेकिन लता जी को जो नाम और शोहरत मिली सुमन कल्याणपुर हमेशा उसके पीछे ही चलने को मजबूर हुई।
ये सुमन कल्याणपुर की बदकिस्मती थी दोस्तों कि रेडियो और टीवी पर जब ये गीत प्रसारित होते तब भी अक्सर सुमन कल्याणपुर के गाए गीतों को गलती से लता मंगेशकर का नाम दे दिया जाता। लेकिन फिर भी बेरहम फिल्मी दुनिया ने उन्हें वो मुकाम वो ऊंचाई कभी हासिल नहीं होने दी जो लता जी को हासिल हुई थी। आए हो तो देख लो दुनिया जरा, जीने वालों ले लो जीने का। मुश्किल से मुश्किल गाने भी सुमन बेहद सरलता से गाती थी। उनकी आवाज लता मंगेशकर से इतनी मेल खाती कि प्रोड्यूसर उन्हें लता जी जैसे गाने की उम्मीद करते। उन दिनों लता जी को एक गाने के लिए काफी बड़ी रकम मिलती थी। कई प्रोड्यूसर उनकी आवाज का इस्तेमाल अपने पैसे बचाने के लिए भी करने लगे कि सुमन कल्याणपुर से गाना गवा लेते हैं, बहुत पैसा बचेगा। इसी दौर में फिल्म सांझ और सवेरा का अज हू ना आए बालमा सावन बीता जाए फिल्म बेटी बेटे का अगर तेरी जलवा नुमाई ना होती, इन गानों में सुमन कल्याणपुर की आवाज को बहुत पसंद किया गया है। अगर आप तुमसे मिलाई ना होती, मेरी जिंदगी। कहा जाता है कि लता मंगेशकर ने कई प्रोड्यूसर को यह तक कह दिया था कि अगर वो सुमन कल्याणपुर के साथ काम करेंगे तो वो उनके साथ काम नहीं करेंगे। एक बार मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर के बीच किसी बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया और दोनों के बीच दूरियां इस कदर बढ़ गईं कि दोनों ने एक साथ गाना गाना ही बंद कर दिया। ऐसे में फिल्म प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर इसी आवाज की तलाश में जुट गए जो रफी साहब के साथ जुगलबंदी करने के लायक हो। सामने थी सुमन कल्याणपुर की आवाज जो किसी भी मामले में लता जी की आवाज से 19 नहीं थी। सुमन कल्याणपुर को भी असल में मौका इसी दौर में मिला और उनकी और रफी साहब की जुगलबंदी कुछ ऐसी जमी कि दोनों के साथ गाए लगभग सभी गाने सुपरहिट साबित हुए। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे रोका। अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता था कि रफी साहब के साथ लता मंगेशकर गा रही हैं या सुमन कल्याणपुर। किस्मत की मार और वक्त के सितम देखिए कि जल्द ही रफी साहब और लता मंगेशकर का विवाद सुलझ गया और पुरानी स्थिति फिर से बहाल हो गई। रफी साहब की आवाज को पसंद करने वाले प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर्स का रुझान फिर से लता मंगेशकर की तरफ चला गया। 1965 में आई फिल्म गजल, फिल्म के सारे गाने लोगों ने बहुत पसंद किए। फिल्म में गाना था उनसे नजरें मिली और हिजाब आ गया। ये गाना लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर की आवाज में रिकॉर्ड किया गया और रिलीज भी हुआ, लेकिन बाद में इसे मीनू पुरुषोत्तम की आवाज में रिकॉर्ड करवाया गया और फिर से सुमन कल्याणपुर की आवाज इस गाने से हटा दी गई। कहा जाता है कि उस दौर की स्थापित गायिकाएं सुमन कल्याणपुर के टैलेंट को कभी पचा नहीं पाई। उनके खिलाफ साजिशों के दौर चलते रहे, सुमन कल्याणपुर और कामयाबी के बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई। सुमन कल्याणपुर ने हिंदी सिनेमा में 900 से भी ज्यादा गाने गाए हैं दोस्तों। और इसके अलावा भी उन्होंने मराठी में सैकड़ों गाने गाए, बंगाली, गुजराती, भोजपुरी, राजस्थानी और पंजाबी में भी उनके गीतों की फहरिस्त काफी लंबी है। लेकिन उन्हें हमेशा ही लता मंगेशकर की डुप्लीकेट आवाज के रूप में ही इस्तेमाल किया गया। एक बार HMV ने उस दौर के 50 उम्दा गानों के 4 कैसेट रिलीज किए।
इनमें सुमन कल्याणपुर के सर्वाधिक 7 गानों को शामिल किया गया था। गायिकाओं के चित्र इन कैसेट्स के कवर पर प्रिंट किए गए, लेकिन सुमन कल्याणपुर के सबसे ज्यादा गाने कैसेट पे होने के बावजूद भी उनका चित्र इसमें नहीं छपा। उन्होंने अपने दौर के मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश, तलत महमूद, हेमंत कुमार जैसे मंजे हुए फनकारों के साथ भी जुगलबंदी की है। दोस्तों, जिसे बहुत पसंद किया गया, सराहा गया और उनके गाए प्रेम गीत खास तौर पर लोकप्रिय हुए। उनकी मखमली आवाज ने इन गीतों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। उस दौर में एक दशक के दौरान सुमन कल्याणपुर ने लगभग 170 फिल्मों में गाने गाए। उनकी आवाज का जादू लोगों के दिलों दिमाग पर ऐसा छाया कि हर कोई उनके गाए गीत गुनगुना भी रहा था। इस दौर में उनके गाए गीतों में मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, इस गाने ने लोगों के दिलों दिमाग पर कमाल का असर किया। और इसके बाद ब्रह्मचारी फिल्म में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे आज भी गाया जाता है। ऐसे सुपरहिट गीतों की लिस्ट इतनी लंबी है कि एक ही एपिसोड में इन्हें शामिल करना बहुत मुश्किल है। तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, रहे ना रहे हम, मेरा प्यार भी तू है, दिल एक मंदिर है, तुमने पुकारा और हम चले आए, होश में आलू तो चले जाइएगा, और ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, इन्हें लोग आज भी शौक से गुनगुनाते हैं, भूल नहीं पाए। ये उनकी आवाज की कशिश का कमाल था कि उनका गाया शायद ही ऐसा कोई गाना हो जो हिंदी सिनेमा के चाहने वालों की जुबान पर ना चढ़ा हो। हर दौर में हर पीढ़ी ने इन्हें पसंद किया है। बेहद सहज और सरल प्रभाव वाली सुमन कल्याणपुर चुपचाप बेरहम हिंदी सिनेमा जगत के जुल्म सहती गईं और उन्होंने उफ तक भी नहीं की। उन्होंने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की, कोई सवाल नहीं किया। एक बार तो दूरदर्शन के लोकप्रिय छायागीत कार्यक्रम में नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे का प्रसारण हुआ और शो के होस्ट ने उनकी आवाज को लता मंगेशकर की आवाज बता दिया। इसके लिए उनकी बेटी चारुल कल्याणपुर को आपत्ति भी जतानी पड़ी कि भाई ये मेरी मां की आवाज है, सुमन कल्याणपुर की, ना की लता मंगेशकर की। वो था 1975 में रिलीज हुई जब जब फूल खिले का गाना नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। बताया जाता है कि उस समय म्यूजिक डायरेक्टर पर बहुत दबाव बनाया जाता है कि वो सुमन कल्याणपुर से गाना ना गवाएं, उन्हें मौका ना दें। डायरेक्टर भी स्थापित गायिकाओं की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते थे और सुमन कल्याणपुर से कन्नी काटने लगे, उनसे किनारा करने लगे। ऐसा भी कहा जाता है कि सुमन कल्याणपुर को आगे बढ़ने का मौका ना मिले इसलिए उन्हें काम देने वाले संगीतकारों के साथ स्थापित गायिकाएं गाना गाना ही बंद कर देती थी। उनके ऐसे ऐसे गाने हैं दोस्तों जो शायद ही दुनिया भूल पाए। उनके गाए गीत के बारे में कहा जाता है कि सिनेमा हॉल में जब लोग इस गीत को सुनते तो जेब में रखे हुए पैसे लुटा देते थे। गौहर कानपुरी के लिखे शब्द, उषा खन्ना के संगीत और सुमन कल्याणपुर की आवाज ने मिलकर देखने वालों पर कमाल कर दिया।
1979 में आई फिल्म दादे के इस गीत में सुमन कल्याणपुर की आवाज को सुनने वाले बहुत भावुक हो उठते थे। अल्लाह करम करना मौला तू रहम करना, अल्लाह करम करना। हिंदी सिनेमा के पर्दे के पीछे उनके खिलाफ साजिशों के बहुत दौर चले। बॉलीवुड में उनके रास्ते मुश्किल होते जा रहे थे, उन्हें गिने चुने लोग ही काम दे रहे थे। 1980 आते आते उनका मन हिंदी सिनेमा और प्लेबैक सिंगिंग से उबने लगा और धीरे धीरे उन्होंने सिनेमा से किनारा कर लिया। हिंदी सिनेमा में उनकी मुश्किलें इस कदर बढ़ गईं कि उनकी जिंदगी इम्तिहान बन गई। अपने खिलाफ रची जा रही साजिशों से वो मुकाबला करती रहीं, वो बिना उफ किए संघर्ष करती रहीं, लेकिन आखिरकार नसीब और काबिलियत के खेल में नसीब की ही जीत हुई। उन्होंने नसीब फिल्म के जिंदगी इम्तिहान लेती है गीत के बाद हिंदी सिनेमा की प्लेबैक सिंगिंग को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। '50s और '60s के हिंदी सिनेमा के उस गोल्डन एरा कहे जाने वाले दौर में सुमन कल्याणपुर काम करती रहीं और बिना उफ किए बॉलीवुड का हर सितम भी उठाती रहीं। आवाज उनकी होती और शोहरत किसी और को मिलती। हिंदी सिनेमा में जहां आवाज को ही पहचान कहा जाता है, वहां लता मंगेशकर की आवाज के पीछे सुमन कल्याणपुर की पहचान तो क्या पूरी शख्सियत ही छिप गई। यही वजह रही कि तमाम म्यूजिक अवार्ड्स और म्यूजिक शोज की नजर भी उन पर नहीं पड़ी। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से 2010 में सम्मानित किया। इससे पहले फिल्म चले जा जहां प्यार मिले के लिए उन्हें एक बार फिल्म फेयर में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के तौर पर नॉमिनेशन मिला। गुजरात सरकार ने उन्हें लगातार 4 साल सर्वोत्तम प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया है। इसके अलावा सुर सिंगर संसद की ओर से उन्हें 3 बार सम्मानित किया गया। 1961 में उन्हें रस रंग फाल्के सम्मान भी मिला। इसके बाद 1964, 1965 और 1965-66 में मराठी गीतों के लिए सर्वोत्तम प्लेबैक सिंगर के लिए सम्मानित किया गया। इसी तरह पंजाबी और भोजपुरी गीतों के लिए भी वो बेस्ट फीमेल सिंगर्स का अवार्ड ले चुकी हैं। दोस्तों, सुमन जी के साथ जो हुआ वो फिल्म इंडस्ट्री का वो कड़वा सच है, वो अफसाना है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन तकदीर से कौन लड़ सका है। जब जब हम सुमन जी के वो गाने सुनेंगे, दिल बार बार उन्हें याद करके उन्हें हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखेगा। सुमन जी आज भी हमारे बीच कायम है और हमारी दुआ है कि भगवान उनकी उम्र और भी लंबी करे और उनकी आवाज तो हमेशा वैसे ही हमारे जहन में बनी रहेगी। हमें उम्मीद है दोस्तों सुमन जी पर बनाया हुआ ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। आप कोई भी कॉमेंट करना चाहें तो हमारे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।